हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 11 जून दिन मंगलवार है। वह हिंदी महीना जेठ और शुक्ल पक्ष की पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार ग्रहण करते ही किसानों को दिए खुशखबरी। नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें 11 सहयोगी दल के मंत्री बने हैं। शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। उन्होंने सबसे पहले किसानों को खुशखबरी दी है। पीएमओ कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर की है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को सबसे पहले सौगात दी। उन्होंने कार्यभार संभालते ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर हस्ताक्षर कर दी है, जिसके तहत देश के 9,30,00,000 किसानों को 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जारी किए जाएंगे। दोस्तों, मानसून में हुआ है बड़ा बदलाव। पहले मध्य प्रदेश में मानसून 11-12 जून को आने वाला था, लेकिन अब इसकी तिथि में बदलाव हो गया है। मध्य प्रदेश में मानसून अब 17 से 18 जून तक एंट्री करेगा। इससे पहले प्रदेश में प्री मानसून की एक्टिविटी जारी रहेगी। सोमवार को सुबह से रुक रुक कर कहीं कहीं बारिश हो रही है। वहीं रविवार को धार, रतलाम, छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। वहीं भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि रविवार को मानसून मुंबई में आ गया है। दो दिन बाद अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ब्रांच कमज़ोर हो जाएगी, जो एक सप्ताह तक ऐसी ही बनी रहेगी। वहीं 17 और 18 जून को बंगाल की खाड़ी की ब्रांच एक्टिव होगी। इसके बाद मध्य प्रदेश में मानसून पहुंच जाएगा। इससे पहले मानसून के प्रदेश में आने की उम्मीद कम ही है। दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अर्थात पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है। इस वजह से प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर चल रहा है। वहीं रविवार को धार, छिंदवाड़ा, रतलाम समेत कई शहरों में आंधी बारिश का मौसम रहा। इस प्रकार यह सिलसिला 16-17 जून तक रहेगा। वहीं 17-18 जून को प्रदेश में मानसून आ जाएगा। दोस्तों, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बनाया गया है मंत्री। आपको बता दें कि यह चौंका देने वाली बात है। यह मोदी की सोशल इंजीनियरिंग है, जिनके तहत इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को मंत्री पद दिया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई अनुभवी नेताओं को मोदी के मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। मंत्रिपरिषद के माध्यम से मोदी सरकार ने क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन भी बैठाया है, अर्थात प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम अनुभव से भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नई टीम में नए चेहरों और अनुभव दोनों को महत्व दिया है। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, सर्वानंद सोनोवाल, एचडी कुमारस्वामी और जीतन राम मांझी जैसे अनुभवी को कैबिनेट में जगह दी गई है। ये सभी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन अनुभवी नेताओं को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की वजह यह है कि इनके आने से मंत्रालयों के काम में तेजी आएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्हें पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी सौंपा गया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं मोदी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने सिर मुंडवाने की बात कही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने रविवार 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने अपने सिर मुंडवाने वाले बयान पर यू टर्न ले लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता ने पहले नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर अपना सिर मुंडाने की बात कही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं, अब वे अपना सिर मुड़ाएंगे या नहीं, इस पर उन्होंने कहा है, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल केवल उनका अपना नहीं है, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों के कारण है, इसलिए वे शर्त से यू टर्न ले रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद 1 जून को आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने यह बयान दिया था। उन्होंने घोषणा की थी कि यदि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे अपना सिर मुड़वा लेंगे, लेकिन अब उन्होंने सिर मुड़वाने से मना कर दिया है। लोकसभा चुनाव खत्म होती मध्य प्रदेश में एक और चुनाव का ऐलान हो गया है। 10 जुलाई को होगी इसके लिए वोटिंग। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के साथ ही दिल्ली में सभी कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। पूर्व सीएम और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने
पहली बार केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही मध्य प्रदेश में एक और चुनाव का ऐलान हो गया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होंगे। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके लिए 21 जून को नामांकन भरा जाएगा। 26 जून को कैंडिडेट अपना नाम वापसी ले सकते हैं। वहीं 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को काउंटिंग की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सोमवार को देश भर की कुल 13 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसमें छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट भी शामिल है। तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता केवल छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लागू होगी। छिंदवाड़ा की बाकी विधानसभा सीटों पर आचार संहिता का असर नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अमरवाड़ा सीट से कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया था और वे बीजेपी में शामिल हो गए थे, इसलिए वह सीट खाली हो गई थी। अब वहां पर उपचुनाव होंगे। दोस्तों, एक्शन में आए कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। उन्होंने कहा है कि एक माह में नई टीम का हो जाएगा गठन। वहीं उपचुनाव के लिए भी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पूरी तरह बदलाव के मूड में आ गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठकों का दौर चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस और युवा कांग्रेस की अलग अलग बैठकें चल रही है। बैठक से पहले जीतू पटवारी ने कहा कि एक महीने में उनकी नई टीम प्रदेश में आ जाएगी। वहीं अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। तय समय पर प्रत्याशी चयन का काम भी पूरा हो जाएगा। किसानों के लिए जरूरी खबर है। प्री मानसून की बारिश से खेतों में खड़ी केले की फसल बर्बाद हो गई। अब किसान परेशान हो रहे हैं और मुआवजे की दरकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों पड़ी भीषण गर्मी के बाद अब प्री मानसून बारिश का दौर जारी है। इस बारिश से मौसम में ठंडक घुलने के चलते एक ओर जहां आमजन को गर्मी से कुछ राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर बारिश के साथ साथ आने वाली हवा से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। इसका सबसे अधिक असर खेतों में खड़ी फसलों पर हुआ है, जहां आंधी के चलते फसलें बर्बाद हो गई हैं। रविवार को मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के बुरहानपुर जिले में प्री मानसून बारिश के बाद तेज आंधी चली। इसके बाद सोमवार को यहां जब ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपने खेतों में पहुंचे तो वहां केले की फसल बर्बाद होकर आड़ी पड़ी मिली। इसे देखकर किसान परेशान हो गए। किसानों की आंखों से आंसू निकल आए। वहीं अब उन्हें शासन से मुआवजे की दरकार है। अब यह दरकार कब तक पूरी होती है वह देखना होगा। दोस्तों, चुनाव खत्म होते ही बुधनी सहित प्रदेश के 5 जगहों पर नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में अगले वर्ष अर्थात 2025-26 में 5 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने प्रारंभ कर दी है। इनमें शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी, राजगढ़, श्योपुर, सिंगरौली और मंडला का मेडिकल कॉलेज शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधनी में नर्सिंग कॉलेज जल्दी शुरू किया जाएगा। मापदंड पूरा करने में कोई कमी नहीं रह जाएगी, इसलिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने लगभग एक वर्ष पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। वहीं श्योपुर और सिंगरौली में फैकल्टी की पदस्थापना भी शुरू हो गई है, क्योंकि मान्यता मिलने में सबसे बड़ी अड़चन फैकल्टी को लेकर आती है, इसलिए यहां पर कार्य फैकल्टी को लेकर शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बुधनी छोड़ बाकी प्रदेश के 4 कॉलेज केंद्र सरकार के सहयोग से बनाए जा रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार 60% राशि दे रही है, वहीं 40% राशि राज्य सरकार लगा रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि प्रदेश के सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में अगले 5 वर्ष के भीतर सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। उसी के तहत अब सरकार ये काम कर रही है, अर्थात संकल्प पत्र को संकल्प में परिवर्तित किया जा रहा है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।